महाराष्ट्र पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर एक बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने के लिए परमवीर सिंह और देवेंद्र फडणवीस के बीच डील हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि कल चांदीवाल आयोग के बारे में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि माविया सरकार के दौरान आई चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट सच है, लेकिन फिर हमारी सरकार गिर गई और वह रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा जारी नहीं की जा सकी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, इसलिए सरकार गिर गई है। वह रिपोर्ट 2 साल से गृह मंत्रालय के पास है और अनुरोध है कि वह चांदीवाल रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मेरे ऊपर लगे आरोपों की जांच में क्या निकला ये तो जनता को पता होगा, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य है कि यह रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं लाई गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कल एक और झूठ बोला है। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुकेश अंबानी के घर के सामने एक कार में बम रखा गया था। उस कार के मालिक की हत्या कर दी गई थी और परमवीर सिंह इन दोनों अपराधों का मास्टरमाइंड था। जैसे ही परमवीर सिंह ने फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया, फडणवीस ने परमवीर सिंह की मदद के लिए इन आरोपों को तय करने के लिए एक सौदा किया। काल चांदीवाल आयोग बद्दल बोलताना देवेंद्र फडणवीस असे बोलले की चांदीवाल आयोगाचा रिपोर्ट आमचं सरकार असताना आला होता। ही खरी गोष्ट आहे, आमचं सरकार असताना चांदीवाल आयोगाचा रिपोर्ट आला होता, पण काही दिवसातच आमचं सरकार पडलं, त्याच्यामुळे तो रिपोर्ट आमचं सरकार जाहीर करू शकलं नाही। आता त्यावेळेस आमचं सरकार का पडलं, उद्धवजी ठाकरे यांचे त्यावेळेस 40 आमदार एका आमदाराला 50-50 कोटी रुपये देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊन फोडलेत, त्याच्यामुळे त्यावेळेस सरकार पडलं। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।